समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लखनऊ से कार से चलकर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ करगुआ पहुंचे, जहां उनके साथ पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव, राज्यसभा सांसद चंद्रपाल सिंह यादव थे। सभी लोगों ने मृतक पुष्पेंद्र यादव के घर पहुंचे, जहां उन्होंने पुष्पेंद्र यादव के परिजनों से मिले और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस मौके पर अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने ऊपर लगे मुकदमे को वापस लेते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस ने ही की है पुष्पेंद्र यादव की हत्या। ऐसो को बचाने के लिए पूरे अधिकारी एक हो गए हो, सरकार एक हो गई हो, तो समझ लो साजिश कितनी बड़ी है। मैं एक आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। एटा में, कासगंज में एक एसओ एक महिला के साथ गलत काम किया उसने, कई महीनों किया, और उस पति को इसलिए के डराता था कि इनकाउंटर कर देंगे, इसलिए उस महिला के साथ सोने लगा और उसको प्रेग्नेंट कर दिया, गर्भवती कर दिया। जब जनता जानी और जब पार्टी को जानकारी हुई तो उसकी आवाज उठी और आप पता कर लेना वो एसओ जेल में है। क्या प्रधानमंत्री नहीं आए थे जालौन में, क्या भाषण दे रहे थे प्रधानमंत्री, याद कीजिए आप। जिस प्रदेश ने प्रधानमंत्री दिया हो, जिस प्रदेश ने राष्ट्रपति दिया हो, बताओ वहां की जनता को न्याय न मिल रहा हो।